पार्टी का सीजन है और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास होनी ही चाहिए और आप फटाफट से तैयार हो जाएंगे। आपका स्वागत करती हूँ अपने चलम बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि वेडिंग सीजन है, पार्टी सीजन है और हम कैसे अपने आप को खूबसूरत दिखाएं, क्विक स्टेप करें, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हों ताकि हमें लास्ट मोमेंट पर परेशान ना होना पड़े और हम खुद से ही बिना पार्लर गए हुए बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट कर सके ताकि सभी की निगाहें हम पर ही टिकी रहें। तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है और इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कभी कभी हम चाहते हैं कि बस हम कुछ हल्का सा ही नेक पीस लें और कुछ हल्की ही ज्वेलरी लें, तो आप इस तरह का कोई भी कुंदन का छोटा आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। ये लाइट वेटेड भी है और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसमें मिलेगा एक ये इस तरह का चोकर, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और हर ड्रेस के साथ ये मैच भी करता है, देखने में भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है और आप इसको किसी भी अपनी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। तो इस तरह से आप इसे किसी भी साड़ी के साथ या सूट सलवार के साथ कैरी कर सकते हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं और कुछ हैंडबैग के बारे में कंफ्यूज हैं तो आप इस तरह की पोटलीज कैरी कर सकते हैं, ये बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छा लुक देती है, चाहे आप सलवार कमीज पहन रहे हों, चाहे आपने लहंगा पहना हो या फिर आप साड़ी कैरी कर रहे हों, इसको आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और जब आप इसको ट्राई करते हैं तो आपका जो लुक है वो एनहेंस हो जाता है। साथ ही बताऊँ तो इसमें कैरी करने के लिए इस तरह की चेन भी दी जाती है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और इससे आपका लुक एनहेंस होता है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो आप छोटे क्लच इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कभी भी कोई बहुत बड़ा बैग आप इस्तेमाल मत करिए पार्टीज में, वो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता है। आप हेयर स्टाइल को लेकर कन्फ्यूज हैं तो इस तरह का डोनट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, चाहे आपके बालों की लेंथ कोई भी हो, आप एक बस को जरूर ट्राई करिए अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। छोटे बालों में भी पौनी बनाकर आप इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, अकेले भी इसको बना सकते हैं, किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं अक्सर इसे बनाती हूँ और उसके बाद आप किसी भी हेयर एक्सेसरीज से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम लेकर आपका एक अच्छा जूड़ा बन जाता है। आप साड़ी लहंगे किसी भी या वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी उसको ट्राई कर सकते हैं, बाद में हेयर एक्सेसरीज से सजा सकते हैं, आप गजरा लगाएंगे, फूल लगाएंगे, वो भी इसको बहुत ही खूबसूरत जाता है। तो आपके पास ये भी जरूर होना चाहिए वेडिंग सीजन में, जिससे आप फटाफट से तैयार हो सकते हैं और आप बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही बात करूं मैं कि अगर फुटवेयर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा तो भी बिल्कुल सही नहीं रहता है। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं और हील पहनना पसंद करते हैं तो कंफर्टेबल हील लीजिए, अगर आप फ्लैट पसंद करते हैं तो फ्लैट लीजिए, जैसे भी आप ले रहे हैं बस आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट थिंग कि आपके लिए वो कम्फर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर भी आपको जरा भी शू वाइट होता है या अनकम्फर्टेबल लगता है तो फिर आपका सारा ध्यान उसी में ही होता है और आप पार्टी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आप परेशान हैं कि आपके पास मैचिंग की बैंगल्स नहीं हैं और आप बैंगल्स ही पहनना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं ये वाला तरीका, इसमें आप रेड कलर की बैंगल्स पहनिए, रेड कलर हर कलर पे सूट करता है और सभी चीज़ों पर चल भी जाता है, तो आप इस तरह की रेड कलर की बैंगल्स अगर पहनेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होगा। नेक्स्ट बात करूं तो मैं आपके पास, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आपके पास इस तरह की कोई सिग्नेचर रिंग भी जरूर होनी चाहिए, ये देखिए ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और अगर आप एक रिंग भी पहनेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है और पूरा हाथ आपका इसके कवर हो जाता है। आप इस तरह से छोटे रिंग अगर पसंद करते हैं तो आप इस तरह के छोटे रिंग्स भी पहन सकते हैं, अगर आप इस तरह के रिंग पहनना पसंद करेंगे तो ये भी आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है।
जब भी आप पार्टी में जाते हैं और आपको कोई हेयर स्टाइल समझ नहीं आता है तो आप बड़े ही आराम से इस तरह से मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा और इसमें आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। विद इन 50 सेकेंड से पहले आपका जूड़ा तैयार हो जाएगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप उसको बाद में हेयर एक्सेसरी से सजा भी सकते हैं। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है, आप इस तरह से रोल रोल करके ऐसे करके अपने बालों में लगाकर इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और एक अच्छा वॉल्यूम भी देगा आपके बालों को। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं और ये भी आपको इजीली मिल जाएगा, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ये हैक्स आपको यूजफुल लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ।